हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। पहले एक्सेस को ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक्सेस ओपन करिएगा, यहाँ पे व्यू दिखेगा, व्यू पे जाकर के डिजाइन व्यू पे जाना है, लेकिन हमें डिजाइन व्यू पे भी नहीं जाना, हम इसको क्लोज कर देते हैं। जो टेबल ओपन है हम क्रिएट पे चलेंगे और क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और जैसे ये टेबल आएगी इसको क्लोज कर देंगे तो हमें यहाँ दिखेगा एसक्यूएल, तो बस इसी पे क्लिक करना है। अब ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको। सबसे पहला काम तो हमें एक टेबल बनानी है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, इस तरीके से लिखेंगे क्रिएट टेबल। और टेबल किस नाम से बनानी है, स्टूडेंट आर, यानी स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट आर नाम से बना लिया। अब इसमें कौन कौन से फील्ड आएंगे, उन फील्ड्स के नाम, जैसे मान लीजिए हम देना चाहते हैं रोल। अब देखिए यहाँ अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, गैप मत दीजिएगा, रोल नंबर लिख दिया। और रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, इंट, नॉट नल, ये भी लिख देता हूँ, नॉट नल, प्राइमरी की, मैंने इसे प्राइमरी की बना दिया, प्राइमरी की के बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमा देंगे, फिर यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ये लगा दिया, ठीक है। और ये दे करके इसका डेटा टाइप टेक्स्ट रख देते हैं, कॉमा दे देते हैं। कॉमा देने के बाद क्या करना है, जैसे ही कॉमा देंगे तो फिर अगला फील्ड आएगा, जैसे मान लीजिए एज लाना चाहते हैं, क्या लेके आना चाहते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। मैं फिलहाल क्या लाना चाहता हूँ, मैं फिलहाल लाना चाहता हूँ मार्क्स, किसके मार्क्स, कंप्यूटर के, तो यहाँ एक फील्ड और दे दिया मैंने कंप्यूटर, और इसका डेटा टाइप इंट रख दिया, ठीक है। कॉमा देंगे और कॉमा देकर के एक और फील्ड डालते हैं यहाँ पे मैथ्स, और इसका डेटा टाइप इंट रख देते हैं। एक और फील्ड डाल देते हैं, कौन सा फील्ड, तो यहाँ डाल देते हैं हम लाइक साइंस, एस सी आई एन सी ई, तो ये साइंस डाल दिया और यहाँ पे डेटा टाइप इंट रख दिया, ठीक है। और इंट रख के क्या करना है, एक और फील्ड हम डालते हैं, जैसे एस एस टी कर देते हैं, एस एस टी, और इसका भी डेटा टाइप इंट रख देते हैं। अब कुल मिला के कितने सब्जेक्ट हुए, जरा काउंट कीजिए, कंप्यूटर एक, मैथ्स दो, साइंस तीन, एस एस टी चार, कुल चार सब्जेक्ट, तो 400 नंबर के हुए, ठीक है। आप चाहे तो एक और फील्ड इसमें ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चार सब्जेक्ट ही हम रखते हैं और इसको यहाँ से बंद करेंगे, और बंद करके यहाँ से टर्मिनेशन के लिए ये सेमी कॉलन दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब रन कराने की बारी है, तो यहाँ से रन कराएंगे तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कॉमा छूट गया है, जिसके वजह से ये इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ कॉमा जरूर दे दीजिएगा और फिर यहाँ से रन करवाइएगा तो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी। ये देखिए टेबल बन भी गई है, ठीक है। चलिए हम यहीं से रिकॉर्ड इंसर्ट करा लेते हैं, हालांकि आप इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रोल नंबर वन और फिर यहाँ नेम, तो नेम में लिख देते हैं आर एम राम, और यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स जो भी इनके आए हूँ, तो वो मार्क्स यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। अब इन मार्क्स का टोटल भी तो हमें करना है, तो टोटल कैसे होगा, पहला सवाल, ठीक है। पहले यहाँ पे हम नाम एंटर करवा देते हैं, 55, 77, 88, जो भी इनका मार्क्स हो, तो ये हो गया। अब हमने ये तो बना लिया, ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं टेबल को सेव करके, और ये क्वेरी भी हम सेव कर देते हैं स्टूडेंट क्यू के नाम से, स्टूडेंट क्यू, ठीक है, स्टूडेंट एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट क्यू, ये स्टूडेंट क्यू कर दिया और इसके नाम से सेव कर दिया। अब इसको यहाँ से क्लोज करने की बारी है, क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद क्या करना है, जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ से क्रिएट पे चलेंगे, और कहाँ जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद हमें वापस जाना है क्वेरी डिजाइन पर, और ये क्वेरी डिजाइन पे जाते ही ये टेबल आएगी और यहाँ से इसको क्लोज करके और यहाँ एसक्यूएल पे आ जाइएगा। अब यहाँ सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, अगर ना लिखा हुआ आ रहा हो तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या सेलेक्ट करना है हमको, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी फील्ड इसमें दिए गए हैं वो सारे ही सेलेक्ट हमें करने हैं। तो पहला है रोल नंबर, तो चलिए अब रोल नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, लिखते हैं आर ओ डबल एल और अंडरस्कोर नंबर एन यू एम बी आर कॉमा। दूसरा फील्ड क्या है, तो यहाँ देखिए दूसरा फील्ड है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो जैसे दिया गया बिल्कुल वैसे ही एन ए एम ई नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स भी हो गया, कॉमा देंगे। तीसरा फील्ड क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए, तीसरा फील्ड है कंप्यूटर, तो यहाँ कंप्यूटर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सी ओ एम पी यू टी ई आर, कंप्यूटर हो गया, कॉमा देंगे। फिर यहाँ अगला फील्ड आएगा, अगला फील्ड क्या है, मैथ्स है, एम ए टी एच एस, एम ए टी एच एस, मैथ्स हो गया। फिर अगला फील्ड आएगा, तो अगला फील्ड क्या है, साइंस है, तो यहाँ फिर साइंस लिखेंगे, एस सी आई ई एन सी ई, साइंस हो गया, कॉमा देंगे। फिर अगला फील्ड डालेंगे, साइंस के बाद क्या है, एस एस टी, तो ये एस एस टी हो गया, और एस एस सॉरी यहाँ पे एस एस टी नहीं डालेंगे, यहाँ पर आके डालेंगे ये जो क्वेरी है हमारी, एस एस टी, तो जैसे लिखा गया तो वैसे हमने सारा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन अब करना क्या है इसका ये भी तो देखना पड़ेगा। तो करना यह है कि यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा और यहाँ पर अब इनको प्लस करना है, इन सारे सब्जेक्ट को प्लस करना है, तो यहाँ लिखिएगा कंप्यूटर, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, प्लस अगला सब्जेक्ट है मैथ्स, एम ए टी एच एस, मैथ्स हो गया, प्लस साइंस, एस सी आई
ई एन सी ई साइंस हो गया, प्लस करिएगा, फिर क्या करना है एस एस टी, एस एस टी, तो ये एस एस टी हो गया, इसको बंद करेंगे और बंद करके इसको नाम देंगे एज टोटल, तो ये टोटल हो जाएगा, ठीक है, एज टोटल हो गया। और कहां से आएगा, फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, स्टूडेंट आर, एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट आर कर दिया और यहां से टर्मिनेशन दे दिया, तो बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ रहे बात को। अब यहां से क्या करना है, डिजाइन पे जाके इसको रन करवा दीजिएगा, तो ये रन करवाएंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ टोटल होता हुआ नजर आएगा। अब एक और क्वेरी हमें बनानी है, ये तो हो गया टोटल की क्वेरी। देखिए एवरेज के लिए भी एक क्वेरी मैंने लिख दिया है, देख लीजिए इस क्वेरी को, और यहाँ पर फोर से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि चार ही सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर जब आते हैं तो आप देखेंगे एक दो तीन चार, चार ही तो सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट रहेंगे उतने से इसे डिवाइड कर देंगे, इसीलिए फोर से डिवाइड किया। और इस फील्ड को क्या नाम दे दिया, एवरेज, तो हमारा एवरेज भी कैलकुलेट हो गया। अब इसको मैं नाम सेव करता हूँ एवरेज क्यू, एवरेज क्यू, तो ये एवरेज क्यू से इसे सेव कर दिया। अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अब एक और क्वेरी हम बनाएंगे, ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे और फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब किस किस तरीके से सेलेक्ट करना है ये चीज बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सेमीकोलन हटा दीजिए, मैं यहाँ पे सारी चीजों को पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला, ठीक है, आई इफ, क्या लगाना है, आई इफ लगाना है और ब्रैकेट को ओपन कर लेना है इस तरीके से, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप भी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना, रेजी, तो बस ये कंडीशन लगेगी यहाँ पे, ठीक है। If average is greater than equal to 85, तो कॉमा एस डबल कॉमा में मैंने दे दिया एस ग्रेट, फिर यहाँ पर वही चीज एवरेज ए बी ई आर ए जी ई एवरेज को बार बार लेंगे, ठीक है, एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड आ गया, फिर यहाँ पे आई इफ लगाइए, और इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके 65, तो कॉमा कौन सा ग्रेड आ गया, सी ग्रेड आ गया, फिर यहाँ पे आई इफ करिए, आई इफ एवरेज ए वी ई आर ए जी ई एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके 55, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा लाइक यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी ग्रेड होगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, बी ग्रेड, और यहाँ पे कर देंगे सी ग्रेड, ठीक है। और फिर एट लास्ट यहाँ पे आएंगे आई इफ ही लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा इफ लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आई इफ एवरेज इज, यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ऐसे में डी ग्रेड, अदरवाइज लास्ट में एफ ए आई एल ई डी। तो जो आप काम वहां से करते हैं ना, वही काम आप एसक्यूएल क्वेरी में भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब कितने ब्रैकेट्स ओपन हुए थे उनको क्लोज करना जरूरी है, तो जो भी ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं उनको आप क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे किया गया है उस तरीके से आपको लास्ट में वो सारे ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक दो, दो इफ हो गया, फिर तीन इफ हो गया, फिर चार इफ हो गया, फिर पांच इफ हो गया, पांच ब्रैकेट क्लोज किए और इसको नाम क्या दे देंगे, एज ग्रेड, जी आर ए डी ई ग्रेड कर दिया, इसको नाम दे दिया हमने ग्रेड, क्या नाम दे दिया, ग्रेड नाम दे दिया। और ग्रेड देने के बाद क्या कर दिया, ग्रेड देने के बाद ये आएगा कहाँ से, तो फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये फ्रॉम कौन से टेबल से आएगा, तो इस बार हम करेंगे एवरेज क्यू, ए बी ई आर ए जी ई एवरेज क्यू, ठीक है। और यहाँ पे इसको टर्मिनेट करके, और पहले तो इसको क्लोज करना है, देन यहाँ से डिजाइन पे जाके इसको रन करवा देना, तो रन करवाते देखिए यहाँ पे ग्रेड आ चुका है, देख सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे थर्ड स्टूडेंट यहाँ पे रितेश है, तो इनका जो भी मार्क्स आया उसके हिसाब से ग्रेड भी कैलकुलेट हो जाएगा, देखिए ग्रेड आ गया इनका, फील्ड का ग्रेड है, तो जिस हिसाब से मार्क्स रहेगा उसी हिसाब से अब ग्रेड कैलकुलेट होता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वसीम है नाम, और यहाँ पे 67, 45, ठीक है, 67 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, और यहाँ पे 45 हो गया, तो यहाँ पे देखिए ग्रेड डी आ गया, अपने आप आ गया। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एसक्यूएल व्यू वाली क्वेरीज आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।